स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं जानती हूँ चाय जी कि बलदेव वीर जी और वीरा को इस तरह ब्याह नहीं करना चाहिए था, खासकर जब निहाल चाचू की मौत हो गई है, तब तो बिल्कुल भी नहीं। पर चाय जी, वीरा तो इस घर की बेटी है ना, तो क्या ब्याह के बाद उसे पगफेरे के लिए हमें नहीं बुलाना चाहिए? कोई पगफेरा नहीं होगा। ऐसे ना बोल रणवीर, तू उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तेरी बहन है वो। कोई नहीं है वो मेरी, और कोई पकफेरा नहीं होगा। रणवीर, तू गलत कर रहा है। तू चाहे जितने इल्जाम लगा ले मेरे वीर जी पे, लेकिन एक बात याद रख, अब तक ये इल्जाम साबित नहीं हुए, और मैनू यकीन है कि मेरे वीर जी पर जितने भी इल्जाम लगे वो सारे के सारे हट जाएंगे। वो बेकसूर है। बेकसूर? बेकसूर है वो? अगर इतना ही बेकसूर होता तो ऐसे भाग के शादी नहीं करता। अगर इतना ही बेकसूर होता तो पहले कोर्ट में बाइज्जत बरी होता, क्यों भाग के शादी नहीं करता वीरा से? और इन्हीं हरकतों से पता लगता है कि वो गुनहगार है, और उसने शादी बचने वास्ते की है। रणवीर, तू चाहे जितने इल्जाम लगा ले मेरे वीर जी पे, मैं ये जानती हूँ और दिल से मानती हूँ कि मेरे वीर जी बेकसूर है, और कानून भी ये मानता है कि जब तक गुनाह साबित ना हो तब तक आदमी बेकसूर कहलाता है। पर तू सोच रणवीर, अपने शक को सच मानकर तू दूसरों की जिंदगी ना बर्बाद कर। हेलो, रणविजय सिंह बोल रहे हैं? जी बोलिए। राजवीर सर ने पूछा है कि आप पुलिस स्टेशन कब आ रहे हैं? अपना बयान रिकॉर्ड करवाने और FIR दर्ज करवाने। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, वो राजवीर जी से कहिएगा मैं पुलिस स्टेशन आके उनसे बात करता हूँ। ठीक है। सर, उन्होंने बोला है वो पुलिस स्टेशन आके आपसे बात करेंगे। से बात करेगा मतलब? कहीं वो बयान देने से पीछे तो नहीं हट रहा? अगर रणवीर ने बयान नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रणवीर, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, तू जा रहा है? क्या सोचा है तूने? रणवीर, अपनी बहन के पति को जेल में डालकर तू उसकी जिंदगी खराब करना चाहता है? अपनी बीवी के भाई का तो तेनों कोई ख्याल नहीं रहा, कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच। मुझे ठीक कह रही पुत्र, ये वही वीरा है जिसको तूने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। पुत्र, ऐसा कुछ मत करना जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। रणवीर, बलदेव वीर जी की जगह अगर कोई और भी होता तो मैं तेनु यही सलाह देती। रणवीर, माफ कर दे उन्हें, तू तो हमेशा दिल की सुनता है ना, कब से दिमाग कितनी सुनने लगा?
क्या आपको भी यही लगता है बीजी कि मैं नवीरा को माफ कर देना चाहिए? वीरा ने जो कुछ भी किया है उसके लिए तो शायद कभी मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। रहा सवाल तेरे अदालत में बयान देने का, तो मैं तेनू कोई सलाह नहीं दूंगी। तू वही कर जो तेरा दिल कहता है। हम सबसे ज्यादा वीरा तेरे करीब थी, तो उससे जुड़ा हर फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तेनू है। सही कहा भी जी आपने, हीरा सबसे ज्यादा मेरे करीब है।